उम्मीद है दोस्तों आप कर्नाटका के बैक टू बैक व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हो। पहले मैंने आपको दिखा दी अंबारी ड्रीम क्लास, फिर मैंने आपको दिखाई ट्रेन जर्नी, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ KSRTC की एक और प्रीमियम ब्रांड की बस। ये है, दिस इज़ एरावत क्लब क्लास। तो हो जाइए तैयार, उम्मीद है आप डिजिटली वर्चुअली मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं। डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, मैंगलोर टू बेंगलोर डिस्टेंस आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स और हमको टाइम लगेगा लगभग आई गेस 8 आवर्स। शुरू करें दोस्त, आपको स्टाइल पता तो है। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं खड़ा हूं KSRTC बस स्टैंड लालबाग मैंगलोर। करें शुरू करें, कमॉन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर कीजिए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड, वन मोर व्लॉग फ्रॉम दिस जुलाई ट्रिप। अब मैं आपको बता दूँ KSRTC का, मैंने आपको अंबारी ड्रीम क्लास का व्लॉग दिखा दिया, आज मैं आपको एक और व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ। ये है एरावत क्लब क्लास, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड आप कह सकते हो KSRTC का। तो बस डिजिटली हो जाइए तैयार, मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ। तो करंटली मैं हूँ मैंगलोर, टाइम हुए हैं सुबह के लगभग 8:30 और यहाँ पर हमारी कॉफ़ी चल रही है। बस डिजिटली अब यहाँ से चलेंगे, बस को बोर्ड करते हैं। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। तो इन केस अगर आप मैंगलोर घूमने आ रहे हैं तो मैं आपको होटल बता दूँ मैं कौन से होटल में रहा हूँ। पहले मैं आपको जल्दी से, अब चलिए एक रूम टूर दे देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास डबल बेड है, ये पूरा आप रूम देख लीजिए। मैं तो कहूँगा रूम बहुत ही स्पेशियस है, यहाँ पे आपको मिलेगा AC और इस तरफ आप देख लीजिए यहाँ पे लगेज का ऑप्शन है, यहाँ पर TV, ये मिरर, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है और ये देख लीजिए ये रहा बाथरूम। अगर आपको मैं थोड़ा वाइड एंगल से दिखाऊँ, ये देखिए ये है रूम टूर, पूरा वाइड लेंस में आपके लिए पूरा बहुत, मैं तो कहूँगा आप देख लीजिए रूम कितना क्लीन है और रूम कितना अच्छा है। अब इस वाले होटल का नाम मैं आपको बता दूं, ये है AK इंटरनेशनल। अगर आप OYO ऐप के थ्रू बुकिंग करोगे तो कॉस्टिंग वहाँ दिखाएगा अराउंड 1400-1500 रुपये पर नाइट, बट मैंने डायरेक्टली वॉक इन किया है, फॉर सिंगल गेस्ट इन्होंने चार्ज किया है 900 रुपीज़। रूम आप देख लीजिए, यहाँ पर वाईफाई बहुत अच्छा है बट ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। मैंगलोर मैं रेलवे स्टेशन से बात करूँ, इट इज़ हार्डली 10 मिनट की दूरी पर है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और एक प्रोमो कोड भी मैंने आपको दे रखा है OYO का। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी OYO यूज़ कर रहे हो उस प्रोमो कोड को यूज़ कीजिए और आपको मिलेगा कितना फ्लैट 65% डिस्काउंट। तो ये हो गई बातचीत, अब यहाँ से उबर लेके चलेंगे। जो मेरा बोर्डिंग पॉइंट है मैं आपको बता दूँ वो है KSRTC बस स्टैंड लालबाग, जो यहाँ से हार्डली 10 मिनट की दूरी पर है। चलें, ये मैंने आपको पूरा रूम दिखा दिया। थोड़ा यार देखो, अगर अपन का व्लॉग आप देखेगा थोड़ा स्माइल करते रहने का, बस मुस्कुराते रहने का। मुझे पता है थोड़ा टाइम डिफ़िकल्ट है, आई नो, बट कोई बात नहीं दोस्त, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, अब चलते। और इन केस अगर आप मैंगलोर आ रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उबर का ना अलग ही चल रहा है। कल मैं स्टेशन से होटल आया था तो भी यही हुआ, उबर बुक कीजिए, उबर वाला ड्राइवर आपको कॉल करेगा कि भाई हम बताइए कहाँ जाना है, होटल जाना है, कहाँ जाना है। और जो फेयर होता है, सपोज़ कल मेरा ट्रिप फेयर हो रहा था 80 रुपीज़ एंड ही वॉज चार्जिंग 250, तो वो बोलते भाई ट्रिप कैंसिल कर दो। अभी भी देखो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ, सेम चीज़ वापस हो रही है।
यार ये चीज़ मेरे को फंडा समझ नहीं आया। अब मैंने ड्राइवर का, अब ड्राइवर का फ़ोन आया कहाँ जाना है, मैंने कहा बस स्टैंड, तो फेयर दिखा रहा है उबर पे 100 रुपीज़, वो बोल रहे हैं लगेंगे 200 रुपये। यार ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, अब रिक्शा करना पड़ेगा लगता है। पहले ये टाइम देख लीजिए, अगर यहाँ विजिबल हो, इट इज़ 9:30, जो हमारी बस है वो है 10 बजे की। अब ये देख लीजिए यहाँ खड़ी है हमारी KSRTC की, दिस इज़ अंबारी क्लब क्लास वॉल्वो B9R। आप इसका साइज़ देखिए, इस वाले व्लॉग में सब डिटेल्स, इस बस का रूट वगैरह, कॉस्टिंग वगैरह, इंटीरियर वगैरह मैं आपको सब दिखाऊँगा, इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। बट ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास लाजवाब बस है। पहले मैंने आपको दिखाई अंबारी ड्रीम क्लास, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दिस इज़ एरावत क्लब क्लास। देखने में भाई ज़बरदस्त लगता है। और इससे पहले हमारी यात्रा की शुरुआत हो, आपको इस एरावत क्लब क्लास का इंटीरियर तो दोस्त दिखाना पड़ेगा ना, और इंटीरियर भी लाजवाब है। आइए अब मैं आपको इसका पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इसकी एंट्री, ये देख लीजिए, दिस इज़ फुली AC। यहाँ पर आप देख लीजिए, दिस इज़ अगेन 2x2 का कॉम्बिनेशन है, वो पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए। ये इस बस का इंटीरियर है, यहाँ पर सब लगेज का रखने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये देख लीजिएगा पूरा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो मुझे सीट मिली है, तो इस बार मुझे सीट, मैंने जो सीट ली है, दिस इज़ 26। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी मैं आपको बता दूं, इस बस की है ऑलमोस्ट 46, बट बिकॉज ऑफ कोविड कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है 50% ऑक्यूपेंसी पे रन होगी। तो यानी कि मेरे बाजू में अब कोई भी बैठने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको हर सीट पर USB चार्जर दिया गया है, दिस इज़ पूरी, ये आप पीछे पुश कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे, ये लेग रेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। मैं तो कहूँगा जो लेग स्पेस है ये भी बहुत अच्छा है। और अभी करंटली सिर्फ 1-2 पैसेंजर ने बोर्ड किया है। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स मिलेंगी फर्स्ट क्लास, सब कुछ यहाँ पर भाई, कम ऑन, दिस इज़ एरावत क्लब क्लास। अगर इसमें आपको नहीं मिलेगा तो भाई कहाँ मिलेगा। आई गेस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी आर जस्ट अबाउट टू डिपार्ट। 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, आई गेस 1-2 पैसेंजर अभी आए नहीं हैं, उसकी वजह से बस चालू नहीं हुई। कम से कम भाई AC तो चालू कर दो, देखो हालत क्या हो गई, AC भी चालू नहीं किया है। बट मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है, सोचिए सिर्फ 8 आवर्स की जर्नी में यहाँ पे 2 ड्राइवर डाल रहे हैं, मतलब दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन सी इन सम गवर्नमेंट बसेस। अदरवाइज 10-10, 12-12 के घंटे की जर्नी एक ही ड्राइवर ज़्यादा चलते रहते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं आपको बता दूँ, हम जाएंगे वाया हासन, तो शेराडी घाट जो मैंने पहले आपको दिखाया था ट्रेन जर्नी में, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थ्रू बस जर्नी। दोस्त अगर कंटेंट पसंद आए, पता है ना, लाइक ज़रूर कर देना। और अगर ये हमारी पहली मुलाकात है, जानते हो ना, नीचे रेड बटन है जिस पे कैपिटल में लिखा है सब्सक्राइब। लोग कंटेंट देख लेते हैं फ्री में, सब एंजॉय कर लेते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, ऐसा कैसे, कम ऑन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो भाई कम से कम AC तो चला दे यार। लगभग आधा घंटा हो चुका है, और मैं आपको बता दूँ करंटली हम चल रहे हैं, दिस इज़ मैंगलोर मैसूर हाईवे। अबाउट दिस एरावत क्लब क्लास आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। आप देखिए यहाँ पर वाटर बॉटल, पानी की बॉटल दी जाती है, ब्लैंकेट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर एंटरटेनमेंट TV स्क्रीन भी है अगर आप मूवी देखना चाहें। बट बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है,
कोई बात नहीं, सफ़र तो दोस्त कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये बस जर्नी जो है ये है बिल्कुल कंफर्टेबल, बिकॉज ये है मल्टी एक्सल भाई, दिस इज फुली एयर सस्पेंशन। आप यहाँ बैठ कर देखिए, यहाँ ऐसा लगता ही नहीं मूवमेंट है। और ड्राइवर अन्ना भाई जो वॉल्वो B9R ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नैनो ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप बेंगलोर के ट्रैफिक से परेशान आ चुके हैं तो ये रूट आपके लिए है, बेंगलोर टू मैंगलोर। अब मैं आपको बता दूं, हम चल रहे हैं शिराडी घाट पर, आप ये देख लीजिए। तो हम आ चुके हैं शिराडी घाट पर, इसकी लेंथ है लगभग 40 किलोमीटर, आप मान के चलिए। और बिकॉज हल्का हल्का मानसून भी यहाँ हुई है, वेदर देखिए चारों तरफ आपको बिल्कुल ग्रीनरी मिलेगी और यहाँ जो व्यू आपको देखने को मिलेंगे। अब ये शिराडी घाट जाएगा टिल सकलेशपुर, और हमारे साथ अन्ना ड्राइव कर ही रहे हैं। कोशिश करता हूँ जितने व्यू आपको दिखा सकता हूँ। कल यही रूट मैंने कवर किया था ट्रेन से, और आज मैंने कवर किया है बस से। वेलकम टू #vloggerslife। तो अगर आप ये रूट, ये घाट ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं तो व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पे, आप ट्रेन जर्नी वो देख सकते हो। अब एरावत क्लब क्लास पहुंच गई है सकलेशपुर, अब हमने लिया है ब्रेक। सुबह 10 बजे स्टार्ट किया था, राइट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock। इस बस के बारे में आपको दो तीन चीज़ें और बतानी है। सबसे पहला इसकी लेंथ, अगर आप लेंथ देखोगे टोटल लेंथ है ऑलमोस्ट 13.8 meters। टैंक की बात करें डीजल टैंक की, दैट इज़ ऑलमोस्ट 600 डीजल, बट दादा बता रहे हैं अप एंड डाउन पैसे लगता, डीजल लगता है लगभग 250 liters। और जो इंजन है दिस इज़ रेयर इंजन, और हॉर्स पावर है ऑलमोस्ट 350 horsepower। ये हो गई बातचीत, ये रहा हमारा रेस्टोरेंट भाई, अब कुछ खाने दो। बस में बैठे बैठे होटल में अंदर भीड़ इतनी है कि बैठने की जगह नहीं है, तो बाहर खड़े होके खाएंगे। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। तो मैंने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, और होटल का नाम है होटल सुरभि NX। और अब हम पहुंच चुके हैं सकलेशपुर। पिछले 3-4 दिन से ये मानिए डोसा इडली वड़ा बस यही खा रहा हूँ, बस का स्टॉप है हार्डली 10-15 minutes का। लंच को खाने से ज़्यादा तो पहले शूट करना पड़ेगा भाई, यही तो है यूट्यूब। अंदर पूरी होटल की मानिए स्पेस पूरी तरह से फुल है, लोग कह रहे कोविड है। आप सोचिए बस में राइट नाउ आई गेस राइट नाउ 10-15 passengers ट्रैवल कर रहे हैं करंटली। इस तरफ देख लीजिए, यहाँ एक और एरावत क्लब क्लास खड़ी है, अब बिल्कुल निकल रही है, ये जा रही है फ्रॉम बेंगलोर टू मैंगलोर। हम जा रहे हैं मैंगलोर टू बेंगलोर। तो इस रूट पर मैं आपको बता दूँ, एवरीडे आई गेस 5 to 7 एरावत क्लब क्लास आपको मिलेंगी, 2-2 साथ में वॉल्वो B9R। ये है मज़ा। तो एवरीडे 5 to 7 जर्नीज हैं इंक्लूडिंग द नाइट वन। बट भैया मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा सेलेक्ट कीजिए डे वाली, ताकि आप ये रूट एंजॉय कर सकें। कॉस्टिंग का मैं बता दूँ, जो मैंने पे किया है पर सीट इट इज़ अराउंड 880 rupees। और करंट पैसेंजर जो मैंने आपको बताया है कैपेसिटी अराउंड 22। डीजल आप सोच रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कंपनी कैसे चल रही है या बस फाइनेंशियली कैसे चल रही है, 3 employees हैं। अगर आप मुझसे पूछें इसका जवाब मेरे को नहीं पता, इसका जवाब आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, बस अब जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वॉशरूम यूज़ कर लिया, पेट पूजा हो गई, नाउ वी आर ऑल सेट। अब निकलेंगे सकलेशपुर से बेंगलोर की तरफ।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं येडियूर। ये देख लीजिए इस तरफ बस खड़ी है, इस तरफ आप देख लीजिए ये जो रोड देख रहे हो, दिस इज नेशनल हाईवे 75 मैंगलोर बेंगलोर हाईवे येडियूर। और हमने ब्रेक लिया है कॉफ़ी टी के लिए, होटल का नाम है होटल मयूर। कहीं बारिश चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, अलग ही मौसम भाई। बट आपको बता दूँ KSRTC ये जो एरावत क्लब क्लास आप देख रहे हो ना, जानते हो KSRTC के पास कितनी बसेस हैं? मैंने पता किया है ऑलमोस्ट मोर देन 600 बसेस। सोचिए आप मान के चलो एक बस की कॉस्ट आप 1 crore भी मान के चलो, सोचो कर्नाटका गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कितना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। अब सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क, बिकॉज मैं हूँ कर्नाटका में, तो ज़रा ये बताइए, कमेंट करके ये बताइए कर्नाटका में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आपको बता दूँ कर्नाटका से इस टूर में ये आपके लिए लास्ट व्लॉग होगा, इसके बाद मैं जा रहा हूँ अब दूसरे स्टेट। और आपको पता ही होगा KSRTC का कर्नाटका वर्सेस केरला, केरला ने केस जीता है। अब होपफुली बहुत जल्दी शायद KSRTC का नाम चेंज किया जाएगा, देखते हैं। बट दोस्त जर्नी में मज़ा आ गया, मैं तो आपसे इतने कह सकता हूँ मैं घूम लिया कर्नाटका। अब यहाँ से बेंगलोर आई गेस कितना, कुछ 90 किलोमीटर्स बाकी है, शायद 90 किलोमीटर्स। पहले ये टाइम देख लीजिए, इट इज़ शार्प 6 o'clock। हमने शुरुआत की थी 10 बजे और बिल्कुल राइट टाइम। मैं आपको बता दूँ मैं उतरा हूँ कैंप गोड़ा, दिस इज़ बस स्टेशन, एक और नाम है मैजिस्टिक बस स्टैंड। आपको बता दूँ ये ओपन हुआ था 1980 में और यहाँ पर है 24 प्लेटफॉर्म्स और साउथ इंडिया का 3rd बिगेस्ट इंटर स्टेट बस स्टेशन। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग। अब मैं यहाँ से जाऊँगा होटल और वहाँ से कहीं और। उम्मीद है आपको इस व्लॉग में मज़ा आया होगा, इतना ही कह सकता हूँ भाई। ड्रीम क्लास हो गया, ट्रेन जर्नी हो गई और एरावत क्लब क्लास भी हो गया। अब कर्नाटका से इस टूर में मेरा हो गया डन। तो हमारी वीडियो यहाँ पर होती है एंड नाउ यू कैन स्लीप लाइक अ बेबी, ठीक है ना। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, वर्क फ्रॉम होम करते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डुलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज, #देखो अपना देश।